कांग्रेसियों तुम पर धूप, कांग्रेसियों तुम पर लानत है। तुम्हारी रैली में एक दलित युवा की मौत हो जाती और तुम्हें सब ठीक नजर आता है। दलित माँ की गोद सुनी हो गई, लेकिन तुम्हें सब ठीक नजर आ रहा है। बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रैली के बीच युवक का शव पड़ा रहा और कांग्रेसी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इनके नेता वोट की अपील करते रहे। हमारे भाई की मृत्यु के बाद डेड बॉडी वहाँ अनाज मंडी के उस रैली के अंदर थी। उसके बाद हरियाणा के सांसद रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया गया, उन्होंने मंच से भाषण दिया, वोटों की अपील की। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना नारनौंद की है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी जस्सी पेटवार की रैली में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने रैली नहीं रोकी। क्या हमारे समाज के युवाओं की, हमारे समाज के लोगों की एक पशुओं के समान जिंदगी है कि हमारा एक भाई वहाँ तड़प रहा है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता इतनी अच्छी राजनीति कर रहे हैं कि भाषण चल रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही है, डीजे बजाया जा रहा है, डीजे के आगे डांस किया जा रहा है। वोट और सत्ता के लिए कांग्रेस ने मानवीय संवेदनाओं का भी गला घोंट दिया है। कांग्रेस ने दलितों को हमेशा ही रोंदा है, जिंदा रहते हुए भी और मौत के बाद भी। कांग्रेसियों याद रखना, दलित समाज और हरियाणा की जनता तुम्हारे घमंड को अपने वोट से तोड़ेगी।